बहुत स्वागत है आपका ब्लॉग आउट में और मैं हूं आपके साथ शिप्रा। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपके भी बाल अक्सर दो मुहे हो जाते हैं तो आपको क्या करना चाहिए। देखिए बाल जो है कई सारी समस्या बालों में आ जाती है। कई बार बालों में डैंड्रफ की समस्या आ जाती है, बालों में अगर आप बाल झड़ने लग जाते हैं समय से पहले, ग्रे होने लग जाते हैं और कई बार बाल जो है डैमेज होने लग जाते हैं, बीच से दो मुहे बाल हो जाते हैं। तो जो दो मुहे बाल अगर आपके होने लगते हैं तो आपने देखा होगा कि बाल बहुत ज्यादा रफ दिखाई देते हैं और बाल बहुत कमजोर हो जाते हैं। तो बाल जब दो मुहे होते हैं, आपने देखा एक तो निचले हिस्से से बाल दो मुहे होते हैं, अगर आप ना बालों की समय समय पर उनको ट्रिम नहीं करते हैं तो बालों का निचला हिस्सा दो होने लग जाता है, जिससे कि आपके बाल ना ही खूबसूरत दिखते हैं और ना बाल बढ़ने में भी रुकावट आने लग जाती है। तो अक्सर ये जो दो मुहे बाल होते हैं ये होते क्यों हैं? बालों में प्रॉपर तरीके से अगर पोषण नहीं मिल रहा है, आप इस तरह की डाइट नहीं ले रहे हैं जो आपके बालों को पोषण दे, तो बालों का दो मुहा होना तय हो जाता है। तो आपको क्या करना है, क्या डाइट लेनी है? पहले तो ना आप डाइट में भरपूर मात्रा में प्रोटीन लीजिए, विटामिन लीजिए, आयरन लीजिए। आप इस तरह से ना बालों कि पोषण के लिए आप डाइट अच्छे से लीजिए। और अगर फिर भी आपके बाल दो मुहे होते हैं तो कुछ हेयर मास्क होते हैं पर्टिकुलर दो मुहे बालों के लिए होते हैं, उन हेयर मास्क के बारे में आज मैं बात करने वाली हूँ। तो सबसे पहली चीज, तो अगर आपके बाल दो मुहे होते हैं और नहीं भी होते हैं तो आप समय समय पर बालों को ट्रिम कीजिए। अगर आपके बाल ऊपर से दो मुहे हो रहे हैं तो आप ना किसी पार्लर में जाके, या फिर अगर पार्लर में नहीं जाते हैं तो इस तरह से आप ना बालों को कीजिए रोल। रोल करने के बाद आप लीजिए कैंची और कैंची से उन दो मुहे बालों को आप काट लीजिए। जब आप ऐसा करते हैं तो आपके जो बाल हैं वो ट्रिम हो जाते हैं और दो मुहे जो बाल हैं वो कम हो जाते हैं। अब आपको, आप ट्रिम कर लिया आपने, अब आपको क्या करना है, आपको अच्छा सा हेयर मास्क अप्लाई करना है। हेयर मास्क कैसा? अंडे का हेयर मास्क दो मुहे बालों के लिए बहुत ही ज्यादा कारगर होता है। अंडे का हेयर मास्क भी कैसा, चलिए आपको बताती हूँ। अंडे के हेयर मास्क के लिए आपको लेना है एक अंडा, आपको येलो भाग भी ले लेना है। अगर आपको बहुत ज्यादा स्मेल की प्रॉब्लम आती है तो येलो भाग को अवॉइड कर दीजिए, आप व्हाइट पार्ट ले सकते हैं। इसके अलावा आपको लेना है 3 टीस्पून ऑलिव ऑयल इसमें ऐड करना है और 1 टीस्पून यहाँ पर आपको लेना है शहद। इन तीनों चीजों को कर लेना है अच्छे से मिक्स और इसको आधे घंटे के लिए पूरे बालों में, जड़ से लेकर नीचे के हिस्से तक, इस तरह से आपको बालों में इसको अप्लाई करना है। दोनों हिस्सों में इसको अच्छे से अप्लाई करना है और आधे घंटे के लिए छोड़ देना है। और आपको ये हफ्ते में 2 बार करना है। जब बहुत ज्यादा दो मुहे बाल हो रहे हो तो आप देखेंगे कि आपके 15 दिन के अंदर दो मुहे बालों की प्रॉब्लम जो है चले जाएगी और बालों में नई जान आ जाएगी, नई शाइन आ जाएगी। बहुत ही अच्छा सा हेयर मास्क है ये। अगली चीज की तरफ आ जाती हूँ। अगली चीज क्या है, तो यहाँ पर आप पपीते से बना हेयर मास्क का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब पपीते से बने हेयर मास्क का इस्तेमाल आपको कैसे करना है तो चलिए वो आपको बताती हूँ। आपको एक पका सा पपीता ले लेना है। आपको पपीते का हेयर मास्क तो अगर आपके बाल दो मुहे नहीं भी हो रहे हैं तो भी आप इस्तेमाल कीजिए, ये आपके बालों में शाइन लेकर आएगा। साथ ही साथ अगर आपके बाल कर्ली है ना तो आपके बाल स्ट्रेट और खूबसूरत दिखाई देंगे। जरूर इस्तेमाल कीजिए, बहुत ही ज्यादा कारगर है। तो पपीते के हेयर मास्क के लिए आपको क्या करना है, एक पका सा पपीता आपको ले लेना है। 1 स्पून से पपीता आपको ऐसे ऐसे निकाल लेना है, उसको अच्छे से मैश कर लेना है, उसमें मिला लेना है दही। इन दोनों चीजों को बहुत देर तक फेंट लेना है। फेंटने के बाद इस हेयर मास्क को अच्छे से अपने बालों में अप्लाई करना है। आपको जड़ों से लेकर बालों के निचले हिस्से तक के अच्छे से हेयर मास्क लगाना है, उसके बाद सर पर ऐसे जुड्डा बांध के इसको रख लेना है 30 मिनट के लिए। उसके बाद नॉर्मल पानी से इसे वॉश कर लेना है। जब आप ऐसा करते हैं तो ये आपके दो मुहे बालों को धीरे धीरे कम करता है, साथ ही साथ बालों में पोषण देता है, बालों में नई जान लेकर आता है, बालों में नई शाइन लेकर आता है। बहुत ही अच्छा हेयर मास्क है। अगला हेयर मास्क है यहाँ पर केले का हेयर मास्क, बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है। केले का हेयर मास्क भी बालों की बहुत सारी समस्याओं का हल निकालता है। केले में भरपूर मात्रा में पोटेशियम होता है, जिंक होता है, आयरन होता है, विटामिन ए होता है, विटामिन सी होता है और विटामिन ई होता है। ये हेयर मास्क आपके बालों के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। आप कोशिश कीजिए कि ये वाला हेयर मास्क आप महीने में, अगर आपके बालों में किसी भी तरह की कोई भी समस्या नहीं है तब भी आप ये हेयर मास्क महीने में कम से कम 2 बार जरूर
अप्लाई कीजिए। आपको पार्लर जाने की जरूरत नहीं है, किसी भी तरह के स्पा कराने की जरूरत नहीं है। बहुत ही ज्यादा कारगर हेयर मास्क है, तो इसके लिए आपको पका हुआ केला लेना है, अच्छे से मैश कर लेना है, उसमें एक चम्मच भरकर शहद डाल लेना है, मिक्स कर लेना है। चाहे तो आप इसमें एक चम्मच भरकर दही भी डाल सकते हैं। ये सारी चीजें मिक्स करके जब आप हेयर मास्क रेडी करेंगे और इसको अप्लाई करेंगे तो इसकी बात ही कुछ और होगी। आपको लगेगा कि आप अभी अभी किसी पार्लर से कोई बहुत ही अच्छे ब्रांड का यहाँ पर आप हेयर ट्रीटमेंट लेकर आए, हेयर स्पा लेकर आए हैं। बहुत ही अच्छे से ये इंस्टेंट रिजल्ट देता है। इसके अलावा आपके दो मुहे बाल हो रहे हो तो बालों में गर्म तेल की चंपी कीजिए। तेल कोई भी हो, नारियल का तेल हो यहाँ पर, इसके अलावा ऑलिव ऑयल हो या फिर तिल्ली के तेल भी बहुत सारे लोग इस्तेमाल करते हैं। तो जो भी तेल आप इस्तेमाल करना चाहें, आंवले का तेल हो या बादाम का तेल हो, कोई भी तेल, लेकिन उसको हल्का गुनगुना करके उससे चंपी कीजिए। निचले हिस्सों में अच्छे से बालों में लगाइए तो ये ना दो मुहे बालों की प्रॉब्लम को दूर करता है। अब एक और बड़ा कारण आपको बताती हूँ दो मुहे बालों के होने का। आपने कई बार देखा होगा, मैंने कुछ वीडियोस में भी बताया कि बहुत सारे लोग ना बाल धोने के बाद इस तरह से बालों को झटकाते हैं, बालों को ऐसे 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 रगड़ के पोंछते हैं, या जो कंघा करते हैं उसको ऐसे ऐसे बुरी तरह से कंघा करते हैं, ऐसे ऐसे करके करते हैं, और ना कई दिनों तक बालों को, कुछ लोगों की हैबिट होती है कि ऐसे ऊपर से बालों में कंघा कर लिया, ऐसे कर लिया और चले गए। अगर बाल उलझ रहे हैं तो उनको प्रॉपर तरीके से सुलझाने की वो कोशिश ही नहीं करते। तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। बाल को रोज कंघा कीजिए, कोम कीजिए। बालों को अगर उलझते हैं तो बालों को सुलझाइए। बहुत ज्यादा बाल उलझते हैं तो एलोवेरा जेल का इस्तेमाल कीजिए। बालों में एलोवेरा जेल लगाइए, मार्केट वाला एलोवेरा जेल ही लगा लीजिए, विटामिन ई को लगाइए, पर बालों को सुलझाइए जरूर। ये दो मुहे होने के बहुत बड़े कारण होते हैं इस तरह से अगर आप बालों को रखते हैं। बाल रफ भी होते हैं। देखिए, बालों की जितनी ज्यादा केयर करेंगे बाल उतने ही ज्यादा खूबसूरत होंगे, तो बालों के लिए लापरवाही बिल्कुल भी मत कीजिए। तो ये छोटा सा वीडियो था जो कि खास तौर पर उन लोगों के लिए था जिनके बाल बहुत ज्यादा दो मुहे होते हैं। तो कुछ सावधानी बरतिए, आपके बाल दो मुहे नहीं होंगे और बाल खूबसूरत दिखाई देंगे। आज की वीडियो में इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।